अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और जी, मुझसे जो है मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछा है कि आप PCOD के बारे में कुछ शेयर नहीं करती। तो जी, मैं शेयर करने लगी हूँ कि PCOD में कंसीव कैसे करें। तो जो जो गलतियाँ मेरी, मतलब अभी मेरी कज़न को 7 ईयर्स हुए हैं, उनकी डॉक्टर्स अलग अलग जगहों पर उन्होंने दिखाया है, तो अलग अलग जगहों पर उनको डॉक्टर बोलती थी कि वेट कम करें, एक्सरसाइज करें। वो कहती थी मेरा वेट यार 65 तो है, 66 तो है, मैं क्या कम करूँ। लेकिन डॉक्टर कुछ ना कुछ हमें देख के, हमारी हाइट के हिसाब से, हमारे बॉडी के हिसाब से, वो हमें हमारे हार्मोन्स के जो टेस्ट होते हैं, जो पीरियड्स के दौरान होते हैं, उसके दूसरे दिन, कुछ ना कुछ देख के वो उस चीज़ के बारे में हमें कुछ मतलब मशवरा देती हैं कि हमें वेट लॉस करना चाहिए, या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, या हमें वॉक करनी चाहिए, या हमें जॉगिंग करनी चाहिए, कुछ भी। तो मैं आप लोग के साथ सिर्फ इतना ही शेयर करूँगी कि PCOD के बारे में मैं आपके साथ और अपनी तफसीलात शेयर करूँगी। लेकिन मैं अपने दोस्त के, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी कज़न भी है, तो 7 ईयर्स से वो एक गलती कर रही थी कि डॉक्टर उसे जब भी बोलती थी कि आप वॉक करो, वॉक करो, वो नहीं करती थी। बहरहाल ऐसे 6 साल गुजर गए। लेकिन 7 साल, जब 7वां साल लगा, तो उसने जो है काफ़ी, वो कहती थी मैं 2 महीने वॉक करके छोड़ दिया करती थी, 1 महीना। लेकिन इस दफ़ा जो उसने किया, उसने इस दफ़ा 4 महीने वॉक की है लगकर। जो भी उसके सारी टैबलेट्स होती थी खाने वाली, जो कि जिसमें ग्लूकोफेज शामिल होती हैं, और वो उसने लेना शुरू करी बाकायदगी के साथ, जो 2 टाइम की या 3 टाइम की, जितनी 2 टाइम 3 टाइम जितने टाइम की आपको डॉक्टर्स दे रही हैं, आपने लेनी पड़ेंगी। और इसमें जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। देखें, अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो उन्होंने कम से कम 10 से 15 किलो वेट लॉस किया, ओके जी। और उन्होंने एक और चीज़ की कि उन्होंने वॉक डेली की, वॉक उन्होंने डेली की है, जिससे जो है वो कंसीव कर पाई हैं। मुबारक हो माशाल्लाह से। तो मैं अपनी जो कज़न है उनको मुबारकबाद दे रही हूँ, मुबारक हो बहुत बहुत, क्योंकि अभी उनका चल रहा है 6 मंथ। और अपनी स्टोरी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मेरी स्टोरी भी सेम टू सेम ऐसी ही है। और मेरी जो PCOD है, काफ़ी मुश्किल हुई मुझे कंसीव करने में। तो बस यही करूँगी कि आप लोग के साथ PCOD की सारी जो है वो चीज़ें शेयर करूँगी, और आप लोग किस तरीके से कंसीव कर सकते हैं, और किस तरीके से आप लोग टिप्स कुछ यूज़ कर सकते हैं। कुछ टिप्स आप लोग ने यूज़ करनी होंगी, जिससे आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मेरी कज़न ने मतलब क्या क्या लिया उस डाइट में, और मैंने PCOD के दौरान क्या क्या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करी जो आपको बहुत आसान कर देती है। जैसे वॉक ज़्यादा आपके लिए सही रहेगी, कि वॉक, अगर वेट बहुत ज़्यादा है आपका तो वॉक करें, कम से कम 15 से 14 किलो वज़न गिराएं, उसके बाद आप कंसीव करने में मतलब आसानी रहेगी आपको। तो अगर आप लोग और मुझसे कुछ टिप्स या कुछ चाहते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी जो मेरी 6-7 बहनें हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि PCOD में आप लोग जल्द से जल्द कैसे कंसीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा।